हेलो गाइस, स्मार्ट सोलर पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम में यूज़ होने वाले बैटरीज के बारे में। सोलर सिस्टम में बेसिकली तीन टेक्नोलॉजी के बैटरीज को यूज़ किया जाता है, SMF, लीड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज। SMF का मतलब होता है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ये बैटरी छोटे रेंज में आते हैं। हम बाइक में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो SMF टेक्नोलॉजी के होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है लीड एसिड बैटरीज। ये बैटरीज जो होते हैं इस पर लीड एसिड का यूज़ होता है, इसके वजह से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं होती है। तीसरा जो बैटरी है वो है लिथियम आयन बैटरीज। ये 100% तक एफिशिएंट होते हैं और इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग ना के बराबर होता है। इसकी वारंटी भी ज़्यादा होता है, 10 साल तक ये बैटरीज चलते हैं, पर ये थोड़े से महंगे होते हैं, जिसके वजह से अभी जो सोलर सिस्टम यूज़ किया जाता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड एसिड बैटरीज को ही यूज़ किया जाता है। सोलर सिस्टम में जो बैटरी यूज़ किए जाते हैं वो C10 रेटिंग के होते हैं। यहाँ पे C का मतलब होता है बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, यानी अगर C10 रेटिंग बैटरी है तो वो 10 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज होगा, 10 घंटे के अंदर फुल्ली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। सोलर सिस्टम के लिए C10 रेटिंग बैटरी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमें 8 से 10 घंटे के लिए ही सूरज की रोशनी दिन में मिल पाती है, और उसमें भी सुबह और शाम के मुकाबले दोपहर में ज़्यादा जनरेशन होता है। तो उसी शॉर्ट टाइम के अंदर जो C10 बैटरीज होते हैं वो फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। ल्यूमिनस, एक्साइट और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो C10 बैटरीज को मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट में अभी 20Ah से लेकर 200Ah तक की रेंज के अंदर की C10 बैटरीज अवेलेबल है। अगर आपको इनके प्राइसेस के बारे में जानना है तो मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सोलर एनर्जी से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।